आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं आपको कि 10 जनवरी 2019 में इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको आवेदन करना है। अगर आप अंतिम तिथि का इंतजार करते हैं तो उस दिन हो सकता है ट्रैफिक की वजह से सर्वर खराब रहे और वेबसाइट का लिंक काम ना करें, तो आप आवेदन करने से रह जाएंगे। इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार ना करते हुए आवेदन कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपको मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देता हूँ एचपी सेट से जुड़ी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप पीएसडी से पहली बार जुड़ रहे हैं तो पीएसडी के इस यूट्यूब चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि यहाँ की कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो सके। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। तो दोस्तों अगर बात करें इसके एचपी सेट की फीस की बात, क्योंकि फीस के बारे में जान लेना सबसे जरूरी होता है, तो एचपी सेट की जो फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 700 रुपये है और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ओबीसी के लिए 350 रुपये हैं और एससी एसटी के लिए हैं 175 रुपये और फिजिकली एम्पायर्ड के लिए हैं 175 रुपये और बीपीएल के लिए हैं 175 रुपये। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप किसी अदर स्टेट में अप्लाई करते हैं, अगर आप उत्तराखंड से हैं या किसी अन्य स्टेट से हैं, मतलब यूपी से हैं, और आप एचपी सेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप वहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, तो आप हिमाचल में रिजर्व कैटेगरी में नहीं आएंगे, आप जनरल कैटेगरी में ही आवेदन करेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई भी छूट वहाँ पर नहीं मिलने वाली, जो भी फीस से संबंधित होती है, वो कैटेगरी और कटअप से संबंधित जो भी छूट होती है, वो आपको हिमाचल में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। वो हिमाचल के बोनाफाइड जो भी वहाँ के अभ्यर्थी होंगे उनको ही वो सब छूट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। बाकी अगर बात करें सब्जेक्ट कौन कौन से एचपी सेट में, केमिकल साइंस है, इंग्लिश है, लाइफ साइंस है, कॉमर्स है और इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिकल साइंस है, म्यूजिक है, फिजिकल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, फिलोसफी है और साइकोलॉजी है और एजुकेशन है। इन सब्जेक्ट में आपका, इन जितने भी दिए गए 22 सब्जेक्ट है, इनमें से किसी में भी आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए या फिर अपियरिंग होना चाहिए। ये तो रही ये बात, लेकिन दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि आप तभी जाके सेट या नेट का एग्जाम दे सकते हैं अगर आपके मास्टर डिग्री में 55% न्यूनतम अंक हासिल किए हुए, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए मास्टर डिग्री में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप अपियरिंग में हैं इस समय और आपका रिजल्ट नहीं आया, तो दोस्तों जब भी आपका भविष्य में आपका रिजल्ट आता है तो आपके 55% या 50% कंप्लीट हो जाने चाहिए, मतलब अपनी कैटेगरी के हिसाब से 50%, और अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो 55% कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी सेट के बारे में विशेष जानकारी, मतलब जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। बाकी आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और बाकी आपको पता है कि जो एचपी सेट का एग्ज़ाम होगा वो 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन होते हैं और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं। दो दो नंबर के ये क्वेश्चन पेपर होते हैं, दो दो नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो ये कुल मिला के हो जाते हैं टोटल 100 नंबर का पहला पेपर और दूसरा 200 नंबर का दूसरा क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों ये 300 नंबर का कुल पेपर होता है, जिसमें से कि फर्स्ट पेपर होता है सभी के लिए एक अनिवार्य पेपर, और जो दूसरा पेपर होता है वो होता है जो आपका ऑप्शनल अपना सब्जेक्ट है, जो जैसा कि आपका हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री का होगा, अगर आपका हिंदी हो तो हिंदी का होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इससे जुड़ी कुछ जानकारी। अगर कोई जानकारी रह गई हो तो कमेंट कीजिएगा, ताकि सभी एस्पिरेंट को मिल जाए। बाकी आप HPPSC की वेबसाइट में जा करके इसके लिए आवेदन करते हैं, कर सकते हैं OTR के जरिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के जरिए। यदि आप HPPSC में पहले भी आवेदन करें हैं और आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो उसमें ही लॉगिन करके आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार HPPSC से कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आप डायरेक्टली पहले OTR रजिस्टर्ड करेंगे, उसके बाद जाके आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए PSD के साथ।